हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ये है हमारी सेकंड वीडियो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इसमें हम वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो के एंड पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कुछ 6 प्रकार की स्टेजेस हैं जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। विकास की अवस्थाएं, सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था, प्री नैटल स्टेज, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जन्म से लेकर 14 दिनों की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था बचपनावस्था, बेबीहुड, 2 सप्ताह से 3 वर्ष तक का समय बचपनावस्था में आता है। चौथी अवस्था बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, ये 3 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें 2 अवस्थाएं आती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। पांचवी अवस्था किशोरावस्था, एडोलसेंस, ये 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। छठी प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, ये 19 से 60 वर्ष तक की अवस्था है। अब सभी अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था, प्री नैटल स्टेज, यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तेज होती है। बालक का सबसे तेज विकास इसी अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। उम्मीद है इस अवस्था के बारे में आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरी अवस्था की तरफ। शैशवावस्था, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। इस अवस्था में बालक को अपने आप को नए वातावरण के साथ समायोजित करना पड़ता है। यह बालक के लिए अत्यंत संकट की अवस्था है। इसमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी असावधानी होने से बालक को वातावरण के साथ समायोजन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस अवस्था में। इसलिए ही बोलते हैं कि यह अवस्था बहुत ही संकट की अवस्था है बालक के लिए। इस अवस्था में शिशु नवजात होता है। वह गर्भावस्था के बाद पहली बार वातावरण के संपर्क में आता है, इसलिए शिशु को वातावरण के साथ सबसे अधिक समायोजन करना पड़ता है इन्फेंसी स्टेज में। वातावरण से समायोजन करने के कारण इस अवस्था में बालक के वजन में कुछ कमी भी आती है। इस अवस्था में शिशु को जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब अगली स्टेज को देखेंगे, बचपना अवस्था बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से 3 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु इस अवस्था में विकास की गति बहुत ही तीव्र गति से होती है। इस अवस्था में बालक की निर्भरता में कमी आती है। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो वह पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु बचपन अवस्था में बालक चलना, बोलना, खेलना आदि शुरू कर देता है, जिससे उसकी पराश्रितता में कमी आना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बालक का अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जाता है। चलिए तो अब अगली स्टेज को देखते हैं, बाल्यावस्था चाइल्डहुड। यह 3 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, इस अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, अपने से बड़ों को देखता है और उनका अनुकरण करता है।
इस अवस्था में बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है और पहली बार घर से अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है। जिज्ञासा के कारण बालक अक्सर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था के मध्य तक बालक सामाजिक प्रवेश के संपर्क में आता है क्योंकि वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड को देखते हैं। यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक स्कूल और अपने दोस्तों में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इसी प्रकार से जीवन की जो वास्तविकता है वो बालक सीखता है इसी उम्र में और समझता भी है। इस अवस्था में बालक समूह के साथ रहना पसंद करते हैं। इस अवधि की मुख्य विशेषता समाजीकरण है, मतलब स्कूल में जाके दोस्तों के साथ रहता है, वहीं पे ज़्यादा समय बिताता है। और इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। तो ये थी बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएँ, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब अगली अवस्था को देखते हैं, किशोरावस्था एडोलसेंस। कई लोग इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं तो कुछ लोग इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। इसी अवस्था में बालक स्वयं की पहचान के बारे में सोचता है, अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचता रहता है कि मैं कैसे अपनी पहचान बनाऊं। इस अवस्था में बालक डे ड्रीमिंग करता है, द्विस्वप्न, मतलब दिन में ही सपने देखता है, अपनी दूसरी ही दुनिया में खोया रहता है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक बहुत अधिक परिवर्तन व्यवहार में देखने को मिलता है। इस अवस्था में विपरीत सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, ओपोजिट सेक्स के प्रति मतलब ज़्यादा आकर्षण रहता है। और इसी अवस्था में संसार की प्रत्येक वस्तु में बालक को एक नया अर्थ दिखाई देने लगता है। अब लास्ट स्टेज के बारे में देखेंगे, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। यह अवस्था 18 से 60 वर्ष तक की अवस्था बताई जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक विकास पूर्ण होकर रुक जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के उत्तरदायित्व भी बढ़ जाते हैं और अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को तभी पूरा कर सकता है जब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वास्थ्य समायोजन हुआ हो। स्वास्थ्य समायोजन की ही अवस्था में वह उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसी अवस्था में अनेक जीवन कृत्य भी करनी होती हैं, लाइफ टास्क भी अलग अलग करनी होती है बहुत सारे। तो ये थी एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। तो ये थी वृद्धि और विकास की अवस्थाएं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, कारक और उनके शैक्षिक महत्व को देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करके बताएं कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।